मोदी 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 हमारा नेता कैसा हो, मोदी नेता हो, मेरा नेता कैसा हो, मेरा मोदी नेता हो, ये बात यही बात पर पार्टी अध्यक्ष और महासचिव के बीच की मुलाकात, जिसमें देखना है कि दोनों वाकई इसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। चंद्रमा हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन प्रकाश कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। ये बताइए मोहन प्रकाश जी, जिस तरह के नतीजे आपके पास आ रहे हैं, कांग्रेस का 40 तो पूरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सरकार आती नहीं दिख रही है किसी भी तरीके से। बीजेपी ने आसानी से 13% लगाकर पार कर लिया है। कई सीटों पर इस बार रहेगी जो 2014 में दूसरे नंबर पर रही थी भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों के साथ यहाँ पर अभी तक फिलहाल रुझानों में आगे की ओर बढ़ती है। राजधानी दिल्ली की बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और राजधानी दिल्ली से महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर एक मुश्त वोट किया जाता है, या तो कांग्रेस के पक्ष में या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो अभी तक का फ्रंट पिछले कई चुनावों के दौरान हमने देखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसे 70 में से 67 सीटें 2015 में जीती थी, उसका सूत्रा साफ होता हुआ राजधानी दिल्ली से दिखाई दे रहा है। उसका पंजाब से भी सबसे बड़ा 4 सीटें पिछली बार उसने जीती थी, लेकिन इस बार जो हम दिखा रहे हैं रुझान, उसके हिसाब से केवल एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके लिए भी आत्ममंथन की बहुत बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में कम से कम एक छोटा सा प्रियंका गांधी मिलने पहुंची है। दोनों भाई बहन के बीच मुलाकात में क्या बात निकल कर सामने आती है, श्रोता ये भी बड़ी खबर ऊंचे दस्ता है, और इसका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। शंकर भैया, लाखों की जीत आपकी होने जा रही है, क्या राज है एकदम से, मतलब इतना ताई से भी आगे बढ़कर जो है लीड होने जा रही है आपकी? देखिए, हमारे जो देश के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, और शहर की नहीं पूरे देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और विकास के काम चालू हों। और इसी आधार पे 15 साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास के काम यहाँ किए, आदरणीय ताई जी 8 बार यहाँ की सांसद रही, इन सब के सहयोग से, हमारे पार्टी के संगठन के अथक मेहनत से और कार्यकर्ताओं के जोश से, जनता के आशीर्वाद से इतना भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। क्या प्राथमिकता रहेंगी शहर के लिए आपकी? हमने विकास के बहुत सारे काम प्रारंभ किए हैं, शहर तेजी से आगे बढ़ा है, हम इस विकास को लेकर हम और आगे जाएंगे और इंदौर के नए आयाम छुएंगे विकास को लेकर।